हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की चटनी। आप सैंडविच के साथ भी खा सकते हो, खट्टे मीठे की चीज बनानी हो तभी भी आप खा सकते हो। सिंपल सी रेसिपी, बढ़िया सी है, आप इसे स्टोर भी कर सकते हो। और किस तरह से बनाते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। इसके लिए हमने ले ली है ये तोतापुरी जो कच्चा आम आता है, ये मीन्स खट्टा कम होता है तो ये लिया है। और ये चटनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो इसके लिए मैंने ये लिया है। दो मीन्स ये 500 ग्राम तक है, इसे अच्छी तरह से दो तीन पानी से धो दिया है। तभी इसका हम ऊपर का कवर निकाल देते हैं क्योंकि इसका हमें पल्प बनाना है। इस तरह से मैं इसका पूरा कवर निकाल देती हूँ। इस तरह से हमने निकाल दिए हैं तो इसे हम पीस बना देते हैं। हमें इसे मिक्सी में ही करना है। इस तरह से मैं पीस बना देती हूँ। इस तरह से हमने रफली पीस बना दिया है तो इसे हम मिक्सी में ले लेते हैं। इसका हमें पल्प बनाना है। अब इसका मैं पल्प बना लेती हूँ। पल्प हमने बना दिया है, इसमें मैंने आधा कप जितना पानी का यूज किया है। तो भी बीच बीच में इसके पीसेस है तो भी ये अच्छे लगेंगे। अगर आपको ऐसा लगा तो आप वापस इसे पेस्ट वो पीस निकाल के पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन ये जो बीच में छोटे छोटे पीस आते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से रखा है। तो इसे अभी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी बड़े बर्तन में इसे शिफ्ट करते हैं। मैं इसे पूरा निकाल देती हूँ। अभी पल्प हमने दूसरे कढ़ाई में निकाल दिया है। अभी हम गैस की तरफ चलते हैं। मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। इसे कंटिन्यूस चलाना है ताकि ये नीचे जले नहीं। इसका पानी का जो अंश है उसको हम निकालना है क्योंकि आप इसे स्टोर करोगे तो ये ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो इसे चलाते हुए पकाना है इस तरह से, और इसका हाई फ्लेम नहीं करना है, इस तरह से रखना है। अब ये पकना स्टार्ट हो गया है तो इसे इस तरह से चलाते हुए हमें पकाना है और गैस का फ्लेम लो रखना है। तो इस तरह से मैं इसे चलाते हुए पका रही हूँ। इसमें मैं चार इलायची डाल रही हूँ तोड़ के, उसे भी फूटा नहीं है ऐसे ही मैं डालती हूँ। इसका भी फ्लेवर बहुत बढ़िया सा आता है। अभी आप देख सकते हैं कितना सारा ये गाढ़ा हो रहा है और बिल्कुल भी चिपका नहीं है। तो इसी स्टेप पे हम इसमें डाल रहे हैं गुड़। ये मैंने थर्ड फोर्थ गुड़ लिया है वो डाल देते हैं। और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। पूरा मिक्स करना है। साबर आप शक्कर डालना चाहते हो तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ की टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आती है, इसे मैंने गुड़ यूज़ किया, नहीं तो फिर आधा शक्कर और आधा गुड़ इसी तरह से भी बनाते हैं तो भी वो टेस्टी लगता है। आपको जैसे भी टेस्ट पसंद है इसी हिसाब से आप बना सकते हो। ये अभी भी खट्टा लग रहा है तो ये इतना वापस मैं गुड़ डाल रही हूँ, मीन्स आपको एक कप पूरा गुड़ लेना है। इस तरह से वापस इसे चला लेते हैं और धीमी आंच पे होने देते हैं। ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। अभी ये इस तरह से उबल रहा है तो इसी स्टेप पे हमें जो दूसरी सामग्री डालनी है वो भी हम डाल देते हैं।
आधा टीस्पून इतना नमक, आधा टीस्पून जितना काला नमक, काला नमक से भी बढ़िया से टेस्ट आती है। चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और आधा टीस्पून जितना रोस्टेड जीरा पाउडर। क्योंकि हम चटनी बना रहे हैं तो इसी तरह से बनती है, मस्त खट्टी मिट्टी। तभी से हम चलाते हुए वापस इसे पकाते हैं। इसे हमें गाढ़ी करनी है। आप कलर देख सकते हो कितना बढ़िया सा आया है। अगर आपको जैसे भी खट्टी मिट्टी पसंद है उसी हिसाब से आप गुड़ डाल सकते हो, गुड़ या शक्कर इस तरह से, और इसे हम गाढ़ा करते हैं। कलर देख सकते हो कितना बढ़िया सा आया है। इस तरह से चलाते हुए पकाते हैं। अभी आप इसके थिकनेस देख सकते हो, इस तरह से ये काफी हद तक गाढ़ी हो गई है जैसे हमें चाहिए। इस तरह से हो गई है और ठंडा हो जाने के बाद वापस ये गाढ़ी होगी। तो इसे आप पराठे के साथ भी खा सकते हो या सैंडविच या ऐसा कुछ बनाना हो तो खट्टी मीठी जब चटनी लगाते हो तो इस तरह से ये भी लगा सकते हो, तो बढ़िया से टेस्ट आएगी। थोड़ी अलग पर टेस्टी, क्योंकि हर बार हम लोग आंवले की खजूर की चटनी लगाते हैं, तो ये भी आप ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी लगती है। इसे सिर्फ 2 मिनट हम बिल्कुल धीमी आंच पे पकाते हैं, उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। ये मैं 2 मिनट हो जाने के बाद मैं आपको वापस फिर से बताती हूँ इसके थिकनेस। 2 मिनट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं पहले मैंने जो बताई थी उसके थिकनेस और इसके थिकनेस थोड़ा डिफरेंट है। जब यह गिरती है तो तुरंत नहीं गिरती है, उसको देर लगती गिरने में, और ये इकट्ठा हो रही है। मीन्स हमारा जो चटनी का बेस है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया है, इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से तभी हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और ये ठंडा हो जाने के बाद वापस गाढ़ी होगी, तो इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से चटनी हमारी रेडी हो गई है, तो इसे हम अभी बाउल में शिफ्ट करते हैं। अभी हम बाउल में ले लेते हैं इसे। आप इसे स्टोर भी कर सकते हो, तो इसे 6 महीने साल के लिए आप स्टोर कर दीजिए। इसे फ्रिज में रखिए और जब भी आपका मन चाहे तो आप इसे खाइए। इस तरह से आम की चटनी बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इन्होंने जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और आपको किस तरह से ये आप बनाते हो तो कैसे लगी वो मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इस तरह से मस्त खट्टी मीठी चटनी जरूर बनाएं। मुंह में पानी आने वाली चटनी बनाना तो बनता है, तो आप जरूर बनाइए। धन्यवाद।